कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग देंगे। 21 सेकंड धरना। मंच के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार चौहान ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अक्टूबर 2018 में होने वाली हमारी हड़ताल को हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आश्वासन पर 2 माह के लिए स्थगित किया था, परंतु सरकार ने इस दौरान कोई सकारात्मक कदम इस मुद्दे पर नहीं उठाया और सरकार का रवैया अड़ियल बना रहा, इसलिए हमें पुनः आंदोलन की राह पर चलना पड़ रहा है। मंच के जिला संयोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की हमारी मांग को अब सरकार को मानना ही होगा। सरकार के अड़ियल रूख से कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों में भारी रोष है, जिसे कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों ने पूर्व के 5 राज्यों के चुनाव में दिखा भी दिया है। अब हमारा आंदोलन पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही खत्म होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। धरने वाले दिन जनपद के स्कूलों में गठन पाठन नहीं होगा और नहीं मिड डे मील का वितरण होगा। मुख्य रूप से सुनील कुमार जैन, मुकेश कुमार चौहान, तापस मिश्रा, डॉक्टर अंचल ऐरी, इंजीनियर विवेक शर्मा, डॉक्टर विनोद शर्मा, राजेंद्र बरनवाल, तेजपाल मौर्य, दीनदयाल रस्तोगी, अजरार हुसैन आगी, सुवेश शर्मा, मुरारी लाल गंगवार, डॉक्टर योगेश सत्यवीर सिंह आदि कर्मचारी एवं शिक्षक नेता उपस्थित रहे। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है, मैं संयोजक हूँ कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का। हम लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है कि कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पूर्व में कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें 9 अगस्त को धरना किया गया था और उसके बाद जो है पूर्ण हड़ताल पर हम लोग जा रहे थे 25 अक्टूबर से। लेकिन योगी जी ने 2 माह का समय मांगा था कि भाई हमें जो है 2 माह का समय दीजिए, हम इस पर पुनर्विचार करते हैं पुरानी पेंशन बहाली पर, क्योंकि एक ही देश में नेता, विधायक, सांसद सभी पेंशन लेंगे, दो दो तीन तीन पेंशन लेंगे और कर्मचारी जो 30-35 साल सेवा करता है उसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ये चीज किसी भी कर्मचारी को, किसी भी शिक्षक को, किसी भी अधिकारी को हजम नहीं है। इसी से उपेक्षित होकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का जुलाई में गठन किया गया और इसी के कार्यक्रम अगस्त से शुरू हुए थे, जिसमें हड़ताल से पूर्व योगी जी ने समय मांगा था। 2 माह उनके 24 दिसंबर को पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, जिससे अक्षुब्ध होकर पुनः 21 जनवरी को पूरे प्रदेश में धरना दिए जाने का आह्वान किया गया है, जिसमें बरेली में सेठ दामोदर सौर पार्क में 21 जनवरी को धरना दिया जाएगा। 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, बरेली में परिषद कार्यालय से चौके चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस रहेगा और 6 से 12 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 6 से 12 फरवरी तक लगातार हड़ताल रहेगी। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 12 तारीख के बाद हड़ताल अनवरत की जा सकती है प्रांतीय निर्देशों पर। प्रांतीय नेतृत्व द्वारा इलेक्शन में ड्यूटी न करने का संदेश भी हमारे मुख्यमंत्री जी को लिखित में दे दिया गया है कि यदि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम कोई भी चुनाव ड्यूटी नहीं करेंगे और हम इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। एक ही देश में एक विधायक एक दिन के लिए बन जाए तो वो पेंशन लेगा, एक कर्मचारी जो 30-35 साल सेवा करता है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में सारा कर्मचारी, सारा शिक्षक, सारा अधिकारी जाग चुका है, जिसमें रेलवे और इनकम टैक्स का भी पूर्ण समर्थन हम लोगों को शामिल है और वो हमारे हर कार्यक्रम में शामिल है। मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान, मैं शिक्षक कर्मचारी अधिकारी मंच का जिलाध्यक्ष। आज परिषद कार्यालय पे हमारे विभिन्न संगठनों के विभिन्न साथी इकट्ठा हुए हैं और सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों में काफी रोष है कि सरकार ने 2 महीने का समय भी लिया था और उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी। अब हम लोग 21 तारीख को सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना देंगे और डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। विभिन्न जनपदों में ऐसा ही कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगर हमें पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो वो अपनी छोड़ दें, नहीं तो हमारी पेंशन बहाल करें।